केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए भरपूर तारीफ की। अर्थव्यवस्था को मजबूत बताते हुए किरेन रिजिजू ने विपक्ष के आरोपों का भी जवाब दिया। जो इस वक्त हमारे साथ हैं किरेन रिजिजू जी, अंतरिम बजट पेश हो गया है, क्या बड़ी घोषणाएं आपको लग रही हैं इस बजट को देखें तो? देखिए, ये बजट देख करके मैं तो बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ, फख्र महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सरकार का हिस्सा हूँ और जिस सरकार में हम काम कर रहे हैं उस सरकार का बजट इतना अच्छा बजट हो और पूरा लोग सराहना कर रहे हैं तो हम तो सरकार में मंत्री होने के नाते मुझे तो अच्छा लगना ही है। और देश के लोग अब जान चुके हैं, मान चुके हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में ही देश आगे जाएगा, क्योंकि इतना मुश्किल हालात में दुनिया अब एक बहुत खराब हालत में गुजर रहा है। दुनिया का इकोनॉमी का हालत ठीक नहीं है, बड़े से बड़े देशों का जो अर्थव्यवस्था चरमरा गया है और भारत का इकोनॉमी अर्थव्यवस्था एक चमकता तारा की तरह ब्राइट स्पॉट बन के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गया है। तो मैं तो मंत्री हूँ लेकिन हर भारतीयों को, सबको, चाहे विपक्ष हो उसको भी प्राउड फील करना चाहिए, उसको भी फक्र होना चाहिए ना। जब भारत आगे बढ़ता है तो क्या विपक्ष क्या पक्ष, सबको खुश होना चाहिए। मैं तो मानता हूँ कि हमारे जो कांग्रेस के लोगों को भी ऐसा बजट को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, नहीं तो लोग अच्छा नहीं लगेंगे। इतना बजट को कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं आप? श्वेत पत्र लाने की बात की है सरकार ने अर्थव्यवस्था को लेकर, लेकिन अगर देखें तो अब जब ये आखिरी बजट था, अब चुनाव में जा रहे हैं आप और इसलिए कॉन्फिडेंस जो है लेवल बढ़ा हुआ, कह रहे हैं कि अगला बजट भी हम पेश करेंगे। देखिए, व्हाइट पेपर जो फाइनेंस मिनिस्टर ने घोषणा की है वो इसलिए कि पूर्व में क्या हमारा अवस्था थी, कैसे मिसमैनेजमेंट हुआ था भारत का इकोनॉमी का, और 2014 के बाद किस तरह से हम पटरी पर लौटे और आज बहुत ही एकदम शानदार इकोनॉमिक परिस्थिति बन गई है। तो ये एक लोगों के सामने में चीज आना चाहिए। तो अब फाइनेंस मिनिस्टर ने घोषणा किया है तो आप इंतजार कीजिए। धन्यवाद बात करने के लिए। और केंद्र में मंत्री किरेन रिजिजू इस बजट को लेकर, अंतरिम बजट को लेकर काफी खास बता रहे थे और विपक्ष पर हमला बोल रहे थे। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।